इसे आपको डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसे लेट कर लेते हैं, लेट दैट इज वाई। तो वाई को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ऊपर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपको पहली नज़र में नज़र आना चाहिए कि इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। सिंप्लीफिकेशन के बाद आप इसे डिफरेंशिएट करिए। तो अभी डिफरेंशिएशन हम लोग किनारे रखते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम इसे रिजॉल्व करते हैं या फिर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास कुछ फार्मूले होने चाहिए, जैसे वन प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो आप, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला प्लेस कर दिया हमने, साइन टू एक्स का फॉर्मूला भी प्लेस करें, साइन टू थीटा का फॉर्मूला प्लेस करेंगे, तो इट कुड बी रिटन एज ए साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। अब देखिए टू टू कैंसिल हो गया, एक कॉस कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस अपॉन साइन, और कॉस अपॉन साइन आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉट एक्स बाई टू। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, कहीं टेन एक्स आ गया होता तो हमारे काम का होता कि टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा थीटा होता है ना, लेकिन कॉट आया है तो टेन तो हम बना ही सकते हैं, हमारे पास रास्ता है। क्या करेंगे हम लोग, इस कॉट को क्या लिख दें, टेन इनवर्स ऑफ, इस कॉट को हम लोग टेन नाइन्टी माइनस थीटा लिख देंगे, तो पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह पर एक्स बाई टू है। अब जो हम चाहते थे हो गया कि टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। तो ये वाई जो है सिंप्लीफाई होके सिंपल सा लीनियर एक्सप्रेशन आ गया है ना, दैट इज़ अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसका स्लोप बताना है या डिफ्रेंशिएट करना है, तो अब यहाँ से हम कैलकुलस को इंटर कराएंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू। पाई बाई टू कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, और यहाँ वन बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखेंगे, और ये वन होता है एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो फाइनली आंसर कितना दिख रहा है, माइनस वन बाई टू, दैट इज योर फाइनल आंसर। हाँ, एक स्टेप और आप कर सकते थे, यहाँ पर हमने क्या किया, इस स्टेप से इस स्टेप में जब हम आए थे तो क्या किया था हमने, अंदर वाले को टेन में कन्वर्ट कर दिया था। आपके पास दूसरा भी रास्ता था यहाँ पे कि टेन इनवर्स को आप क्या लिख देते, पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स, मतलब आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स ऑफ जो भी अंदर कॉट एक्स बाई टू है। तो यहाँ से जब आप प्रोसीड करोगे आगे तो ये पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू ही आएगा, लेकिन दोनों ही तरीके से करोगे तो आप यहीं पहुँचोगे ना, इसके बाद तो आपका रास्ता यही है, दैट इज़ योर आंसर माइनस वन बाई टू।